वहीं हमारे संवाददाता आलोक दीक्षित ने लखनऊ में ज्ञानवापी सर्वे को लेकर लोगों की राय ली। क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए सुनते हैं। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में जो एसआई के सर्वे संबंधित याचिका लगी हुई है, उस कल जो है अपर महाधिवक्ता आलोक त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया था कि ये जो सुनवाई होने वाली है इसमें जो है किसी भी तरीके का मंदिर परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो जांच होगी, एसआई की जांच होगी, वो जीपीएस सिस्टम पर होगी जिसमें तकनीकी के आधार पर जाँच की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के वकील ने बताया कि जो है मंदिर परिसर को नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं जांच तोड़ करके की जाएगी और जो परिसर है और वो जो पुरातन जितनी चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो इस पर जनता की क्या राय है, आइए हम जनता से जानते हैं कि जो ज्ञानवापी परिसर है उसका एसआई सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और जिला जज का निर्णय आया था, उस पर जनता क्या सोचती है, जनता से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे। ये जो ज्ञानवापी मंदिर का प्रकरण चल रहा है इसके लेकर के आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, आपको क्या लगता है कि ये जो मंदिर का फैसला है, सर्वे का फैसला है, वो होना चाहिए? हाँ, यस, ऐसा है कि ये जो माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो दोनों पक्षों को मान्य होना चाहिए, मान्य होना चाहिए, ठीक है। न्यायालय और संविधान से बढ़ के तो कोई है नहीं, नंबर वन। नंबर दो, जहाँ तक ज्ञानवापी जो शब्द ही अपने आप में, ज्ञानवापी शब्द जो है ज्ञान का भंडार, यानी हिंदुस्तान की ये पहली ऐसी मस्जिद है यदि वो मानते हैं जो भी है, तो उसका नामकरण ही आप देख लीजिए कि काशी की नगरी में ज्ञानवापी, काशी की नगरी जो कि भगवान शिव की नगरी, उसमें ज्ञानवापी शब्द जो है वो खुद ही अपने आप में मंदिर होने का प्रमाण। यस यस यस, ज्ञानवापी का संस्कृत में अर्थ ही है ज्ञान का भंडार। तो जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील हैं वो कह रहे हैं कि अगर इसका सर्वे होगा तो वो जो मंदिर परिसर है या फिर जो प्राचीन पुरातन वहाँ की संस्कृति है वो धरोहर वो नष्ट हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये जो ASI जो केंद्र सरकार की एक यूनिट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ASI, ठीक है, नहीं ASI जो है कोई भी जांच जो है, अभी तो GPR सिस्टम पे वो जांच की बात कर रहे हैं, GPR सिस्टम में कोई ऐसा हथियार ही नहीं है कि जो उसके अंदर में ले जा सकते हैं, वो एक फोटोग्राफ, मेजरिंग फोटोग्राफ और जो भी उसके मतलब तथ्य हैं उसका एक GPR सर्वे है ये GPR। तो जब GPR सर्वे जो है वो कोई उसके अंदर वो गैंती हथौड़ी या हथौड़ा या कोई इस टाइप का चीज़ तो ले नहीं जा रहे हैं, वो साइंटिफिक सर्वे करने जा रहे हैं, ठीक है नहीं। तो साइंटिफिक सर्वे करने जा रहे हैं, उनको अधिकार है, अगर भाई ASI को नॉमिनेट किया है अभी मतलब न्यायालय ने तो उनको अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट से जब स्टे मिला था तो कई सारे मुस्लिम मौलानाओं ने इसको लेकर के खुशी जाहिर करी थी और कहा था कि ये एक अच्छा पहल है सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो ये कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए मगर ये फैसला हाई कोर्ट में जाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है? यस यस, ऐसा है ना, देखिए कि यदि दोनों पक्ष जो है माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश बनारस, यदि जनपद बनारस में गए थे तो वहाँ से उनका निर्णय मान लीजिए आ गया कि आप सर्वे कर सकते हैं, ठीक है नहीं। अब जो है अगली प्रक्रिया जो थी वो उन लोगों को हाई कोर्ट में इसकी अपील करनी चाहिए थी, माननीय उच्च न्यायालय में चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, ठीक है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय न्यायालय ने भी ये कहा है कि भाई आप थ्रू प्रॉपर चैनल आइए, भाई जैसे कि जब जिला जज की अदालत के बाद में माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो दे दिया था, अंतरिम दो दिन का उन्होंने अंतरिम उन्होंने रोक दो दिन के लिए लगाई थी, जो स्वतः बढ़ गई थी क्योंकि कल सुनवाई पूरी। हाँ हाँ, यस यस, वो कोई रोक मतलब परमानेंटली नहीं है, वो अंतरिम रोक है और उसी पे अब हाई कोर्ट ये पक्ष गया है और हाई कोर्ट से जो भी निर्णय होगा वो सभी लोगों को मान्य है।
तो ये रही जनता की बात, और जनता का भी यही मानना है कि माननीय हाईकोर्ट जो भी निर्णय लेगा उसको हर पक्ष को मानना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, और मान करके उस फैसले पे अमल करना चाहिए। जिला जज ने जो भी आदेश दिया अगर वैसा ही आदेश आता है, एसआई सर्वे की बात आती है, तो उसको मान करके आगे बढ़ना चाहिए। वैसे दोनों पक्षों के पास आगे के भी रास्ते खुले रहेंगे, और आगे आने वाले समय में क्या निर्णय होगा वो तो फैसले के बाद ही पता चलेगा। हमारे सहयोगी अभिषेक के साथ आलोक दीक्षित, वाराणसी, लाइव 7।